अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान फैंस एनालिसिस में खुश आमदीद। और इस वीडियो में हम रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को रशिया के दौरे की दावत के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हम JF-17 थंडर के बारे में बात करेंगे, जिसमें जल्द ही जो है इसलान का ईसल पोर्ट इंटीग्रेट होने वाला है, और उसके रोल के बारे में बात करेंगे कि ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में इसका क्या रोल है और ब्लॉक 3 में इसका क्या रोल होगा। और लास्टली हम प्रिंस विलियम्स और केट मिडलटन के पाकिस्तान के दौरे के बारे में बात करेंगे और इसको एक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव से भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जिस चीज़ का हमें काफ़ी अरसे से इंतज़ार था और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसका स्टार्ट बना, वो ये कि रशियन सदर व्लादिमीर पुतिन ने इमरान खान को रशिया के दौरे की दावत दी है। दावत उन्होंने जो है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस के दौरान दी थी, और स्पेसिफिकली उनको EEF यानी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में आने की दावत दी है, जो कि सितंबर के अंदर जो है व्लादिवोस्टोक रशिया में होने वाला है। इस फोरम का मकसद जो है वो रशिया के फार ईस्ट वाले एरिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तलाश है, और उसमें अभी के लिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। और अ साइड नोट, शायद पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो कि सऊदी अरब का दौरा करने के बाद फौरन ईरान का दौरा कर सकता है और दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात भी रख सकता है। इसी तरह जुलाई में जो है पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर जो है अमेरिका का दौरा कर रहे हैं, और फिर सितंबर के अंदर रशिया का विज़िट वो करेंगे। तो ये बहुत हद तक एक पाकिस्तानी चीज़ ही है। ऑफ कोर्स रशिया के अपने पीस डायलॉग्स चल रहे हैं तालिबान के साथ, और उसमें पाकिस्तान की भी उनको ज़रूरत चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से जो है ये दावत इस चीज़ से भरी है, और इसको जो है आगे बढ़ाने का मकसद ही ग्लोबल पावर का शिफ्ट होना है। और जैसा मैंने पहले बताया कि अभी अमेरिका का दौरा होना है, तो इस न्यूज़ के बाद क्या चेंजिंग्स होती हैं इस दौरे के अंदर और अमेरिका का इस पर क्या रिस्पॉन्स होता है, इसको अभी हमें देखना होगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो रशियन सदर के गेस्ट ऑफ ऑनर्स में से होंगे, और फ्रैंकली इसके बाद सिर्फ पुतिन का सिर्फ पाकिस्तान का दौरा ही रह जाता है एक फुल स्केल रिलेशनशिप को मेंटेन करने में। लास्टली यहाँ हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी क्रेडिट देना होगा कि पिछले कुछ अरसे में हमारे बहुत से ममालिक से ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, और बहुत से इंटरनेशनल लीडर्स जो हैं उन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान का विज़िट किया है, जो कि नहायत अच्छी बात है। JF-17 थंडर की ग्राउंड अटैक सलाहितों में एक और बड़ा इजाफा होने वाला है, और इसका सबूत जो है एसलसान कंपनी की कंफर्मेशन है, जिसमें पाकिस्तान तकरीबन 50 के करीब एसल पॉट्स को जल्द ही लेने वाला है। कुछ साल पहले जो है एसल पॉट को पाकिस्तान की जानिब से ख़रीदे जाने की न्यूज़ सामने आई थी, उसके बाद कुछ और अमाउंट में फिर से इनका ऑर्डर दिया गया था, और उसके बाद फिर 2018 में एसलसान ने कंफर्मेशन कर दी थी कि एसल पॉट को कामयाबी के साथ JF-17 थंडर पर इंटीग्रेट कर दिया गया है, जो कि एक तरह से इस चीज़ का सबूत है कि पाकिस्तान फ्यूचर में इसको परचेज़ करेगा। एसल पॉट के आने से जो है पाकिस्तान की ग्राउंड अटैक एबिलिटी में ख़ास तौर पे उन ऑब्जेक्ट्स में जो कि स्टैटिक नहीं है और कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, उनको हिट करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इस वक्त के लिए अगर ग्राउंड अटैक की बात करें तो JF-17 को ध्यान में रखते हुए हमारे पास सिर्फ MK-80 बॉम्ब्स हैं, जो कि अनगाइडेड बॉम्ब्स हैं। उसके अलावा अगर उन पर रेंज एक्सटेंशन किट लगा दें तो आप उसे तकबीर बॉम्ब भी कह सकते हैं। ऑफकोर्स रेंज एक्सटेंशन किट से वो प्रिसीजन बॉम्ब्स बन जाते हैं। उसके अलावा आपके पास राड मिसाइल है, लेकिन राड मिसाइल को आप अपने टॉप टारगेट्स को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक और जो मिसाइल है वो C-802 है, लेकिन उसको शिप्स को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऐसा बहुत हद तक मुमकिन है कि मुस्तकबिल में हम लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स और लेज़र गाइडेड मिसाइल्स की परचेज़ करें, हालांकि अभी तक इस तरह की कोई ख़बर नहीं आई है। एक हमारे पास बर्क मिसाइल है जो कि लेज़र गाइडेड है, लेकिन वो अभी से बुराक ड्रोन के अंदर इस्तेमाल होता है। आखिर में इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर आने से पहले ये चीज़ मैं याद करा दूँ कि तकरीबन मार्च में पाकिस्तान ने एक प्रिसीजन वेपन का टेस्ट किया था, तो हो सकता है कि वो एसल पॉड वेपन से ही मुताबकत रखता हो। इसके सबसे एंटिसिपेटेड इस्तेमाल जो है ब्लॉक 3 में होगा। ब्लॉक 3 में एक और हार्ड पॉइंट का इजाफा जो किया गया है वो मोस्ट लाइकली इसीलिए किया गया है कि उसमें एसल पॉट को इंटीग्रेट किया जाएगा, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल जो है हमें ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में देखने को मिलेगा। ख़ास तौर पर ग्राउंड अटैक हमलों के लिए आप ब्लॉक 3 को, जो कि आपका टॉप टीयर जेट है या टॉप टीयर जेट्स में शुमार होगा, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन लेज़र मिसाइल्स के केस में और किसी बड़ी मुसीबत में शायद हालात मुख्तलिफ हों।
क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि ब्लॉक 3 जो है हमारे टॉप एसेट्स में से होगा, और इन ग्राउंड मिशन या रिकॉन्सेंस मिशन के लिए ऐसे जेट्स का इस्तेमाल जो है वो कम ही नज़र आएगा, क्योंकि इनकी फ़्लाइट कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब पाकिस्तान ये मेक श्योर करेगा कि फ़्लाइट कॉस्ट कम से कम रखी जाए और प्रायोरिटी में भी थोड़ा नीचे वाला जेट रखा जाए, लेकिन इसी खूबी की वजह से ब्लॉक 1 वाले जेट्स और ब्लॉक 2 वाले जेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा अहम हो जाते हैं। केंसिंगटन पैलेस से ये स्टेटमेंट निकल के सामने आई है कि इस ऑटम के अंदर कैम्ब्रिज की ड्यूक और डचेस जो है यानी प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट मिडल्टन जो है पाकिस्तान का विजिट करेंगी। सबसे पहले तो इस चीज़ का सबूत है कि पिछले चंद सालों में पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन जो है कितनी अच्छी हुई है। ब्रिटिश एयरवेज, थाई एयरवेज ने अपनी फ़्लाइट जो हैं वो दोबारा पाकिस्तान में शुरू कर दी हैं। मुख्तलिफ फेस्टिवल्स और इंटरनेशनल स्टार्स जो हैं उन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया है, और पाकिस्तान में ख़ुद भी बहुत से इवेंट्स होने लग गए हैं। The two countries, already so close in so many ways, take a step closer. British Airways is the first European airline to return to Pakistan for more than 10 years. This flight is a symbol of the extraordinary links between our two countries, from commerce, culture, and cricket, to people, politics, and education. And I see this new service as a vote of confidence in the future of those links. It will give a particular boost to trade and investments. And it is, of course, tribute to the great improvements in the security situation in Pakistan in recent years. Welcome back. आखिरी बार क्वीन एलिजाबेथ ने जो है वो 1997 में पाकिस्तान का दौरा किया था, और प्रिंसेस डायना ने जो है 1991 में ऑफिशियली तौर पे पाकिस्तान का विजिट किया था। उसके अलावा 96 में जो है उन्होंने एक प्राइवेट विजिट भी किया था। उसके अलावा 2006 में प्रिंस चार्ल्स ने अपनी सेकेंड वाइफ के साथ यानी डचेस ऑफ कॉर्नवॉल के साथ पाकिस्तान का विजिट किया था। इस विजिट से जो है जिस कदर अच्छी चीज़ें निकाली जा सकती हैं, अगर हम 1961 के क्वीन एलिजाबेथ के विजिट को देखें तो उतनी ही मायूसी भी हो सकती है कि इन 50 से 60 सालों में हमारे लीडर्स ने, डिक्टेटर्स ने और हमने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया है। डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने दो लिंक्स दिए हैं, जिनमें से एक जो है 1961 का क्वीन एलिजाबेथ का विजिट है, और इसमें देख कर हमें पाकिस्तान के शायद सबसे बेहतरीन साल नज़र आ सकते हैं। 1961 में क्वीन एलिजाबेथ फाटा और खैबर एजेंसी जैसी जगहों का भी विजिट कर रही थी, और ना सिर्फ विजिट कर रही थी बल्कि किसी किस्म की सिक्योरिटी उनके साथ नहीं है। इस विजिट में आम लोगों के साथ कितना ज़्यादा इंटरेक्शन है वो हम देख सकते हैं, और किस तरह से दोनों वेस्ट पाकिस्तान और उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान में किस कदर पीस और प्रोग्रेस को देखा जा सकता है। और क्या हम में से कोई सोच सकता है कि हम प्रिंस विलियम को या केट मिडिल्टन को इस तरह से मिल सकते हैं, या क्या हम जब सिक्योरिटी हालात जो हैं एक्सपोनेंशियली बेहतर हो गए हैं पिछले 2 से 3 साल के मुकाबले में, क्या हम ट्रैवल एजेंसीज में बगैर किसी खौफ व खतरे के इस तरह से ट्रैवल कर सकते हैं? यकीनन इसमें बाहर की क़ुव्वतों का भी बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन क्या इससे हमारी गलतियाँ ख़त्म हो जाती हैं? वो डिक्टेटर्स जिन्होंने इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की, आपस में इतने ज़्यादा सेक्टर्स बना दिए हैं कम्युनिटी के, और पॉलिटिकल लीडर्स जिन्होंने करप्शन कर करके अपनी पावर को अब्यूज़ कर करके पाकिस्तान के इतने हालात ख़राब कर दिए हैं। दूसरा लिंक 1966 का जनरल यूब खान का क्वीन एलिजाबेथ के पाकिस्तान आने का रिटर्न विजिट है, और इस वीडियो में आप पाकिस्तान को उस वक्त के सुपर पावर की नज़रों में इमेज के तौर पर देख सकते हैं। 1966 में हमने जर्मनी को लोन दिया था, जब वर्ल्ड वॉर टू में हिटलर के हारने के बाद जो है उनकी इकोनॉमी बिल्कुल क्रैश कर गई थी, और जर्मनी जो है वो भी ईस्ट और वेस्ट में स्प्लिट हो गया था। और आज तकरीबन 53 ईयर्स के बाद जो है ना सिर्फ जर्मनी यूनाइट है बल्कि पाकिस्तान के मुकाबले में वो किस जगह पे खड़ा है। खैर, इस विजिट में आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ जनरल यूब खान जो है वो क्वीन एलिजाबेथ से कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, बल्कि एक जो बहुत कम खूबी हमें देखने को मिली है अपने लीडर्स में वो ये कि वो अपने आप को कैरी करना जानते हैं, जो कि डिप्लोमेटिक लेवल पे साथ जो है पर्सनल लेवल पे भी अच्छे रिलेशन डेवलप कर सकता है। आखिर में फिर से अच्छा इंडिकेटर है कि हमारे सिक्योरिटी के हालात बेहतर हो रहे हैं, और उम्मीद है कि इस तरह के मज़ीद दौरे होते रहें ताकि वेस्टर्न वर्ल्ड की आंखों में हमारी प्रोग्रेस का इमेज जो है हमें मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब, और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। तब तक के लिए पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।